कहानी का नाम है शिन की तिपैया साइकिल। हर साल जब अगस्त आती है तो मुझे फिर वही पुरानी यादें सताती हैं। मुझे बार बार अपने पुत्र शिन का चेहरा याद आता है। वो एक लाल तिपैया साइकिल चला रहा होता है। उसका सपना था कि ये साइकिल उसे जन्मदिन पर मिले, परंतु जल्द ही खुशी की ये तस्वीर धुएं और राख के बादल में छिप जाती है। उस अगस्त के दिन हमारे सारे सपने चकनाचूर हो गए और सदा के लिए मेरे हृदय पर एक काला बादल छा गया। 50 साल पहले शिन केवल 3 साल का था। हम जापान के हिरोशिमा शहर में नदी के किनारे एक छोटे से मकान में रहते थे। शिन की 2 बहनें थीं, मिचिको और योको, परंतु उसकी सबसे प्रिय मित्र थी कीमी। वो पड़ोस के घर में ही रहती थी। दोनों दिन भर लकड़ी के गुटकों से घर बनाते रहते या फिर सचित्र पुस्तकों के पन्ने निहारते, खासकर एक किताब के जिसमें 3 पहियों वाली साइकिल का चित्र बना था। शिन वैसी ही साइकिल चाहता था। उसे पता था कि उसका यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। उस समय जापान में 3 पहियों वाली साइकिल का मिलना बड़ी मुश्किल बात थी। 1941 में जापान ने अमेरिका और कुछ अन्य देशों के ऊपर लड़ाई छेड़ी थी। 4 साल के युद्ध के दौरान सारी साइकिलें, मंदिरों की घंटियों और रसोई घर के बर्तनों को गलाकर उनसे लड़ाई के टैंक और बंदूकें बना दी गई थी। बच्चों के खिलौने मिलना बहुत मुश्किल काम था, परंतु शिन तो बस साइकिल की रट लगाए था। एक दिन साइकिल नहीं मिलने के गुस्से में उसने खाना ही नहीं खाया। वो मेरे करीब आया और विनती करने लगा, पापा आप मेरे लिए साइकिल लाएंगे ना, जरूर लाना, भूलना नहीं। शिन की मां ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा और उससे कहा, शिन हमें माफ करो, तुम्हें धीरज रखना होगा। ऐसी कई चीजें हैं जिनकी हमें जरूरत है, पर जो अभी नहीं मिल रही हैं हमें उनके बगैर काम चलाना होगा। शिन के दिल को ये बात अच्छी नहीं लगी, परंतु उसे पता था कि मां जो कह रही है वो ठीक है। फिर एक दिन शिन के चाचा उससे मिलने आए। चाचा जापान की नौसेना में काम करते थे। शिन इधर आओ, उन्होंने कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। क्या है, शिन ने उत्सुकतावश पूछा। वो बड़ी बड़ी आंखों से चाचा के हाथ के पैकेट को निहार रहा था। तुम कुछ अंदाजा लगाओ, चाचा ने कहा, इसमें वो चीज है जिसे तुम बहुत बहुत पाना चाहते हो। ये कहते ही चाचा ने उपहार को अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। शिन खुशी के मारे कूदने लगा और पैकेट को पकड़ने के लिए लपकने लगा, परंतु चाचा ने हंसते हुए उपहार के पैकेट को शिन की पहुंच से दूर रखा। तभी शिन को पैकेट में से बाहर निकलता हुआ एक लाल रंग का हैंडल दिखाई पड़ा। इसमें 3 पहियों वाली साइकिल है, वो जोर से चिल्लाया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पैकेट को खोलते वक्त उसकी आंखों में आंसू छलक उठे थे। चाचा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको ये साइकिल कहां से मिली? ये साइकिल मुझे अपने कमरे की अलमारी में पड़ी मिली, उन्होंने कहा। तुम्हारे जन्मदिन से पहले ही मुझे वापस जाना है, इसलिए मैंने सोचा कि ये उपहार तुम्हें पहले ही दे दूं। शिन कूद कर अपनी लाल साइकिल पर बैठ गया और गर्व से मेरी ओर देखकर कहने लगा, देखो पापा मेरा सपना सच हो गया। 6 अगस्त की सुबह बहुत ही सुंदर थी। पेड़ों से झिंगरों के पैरों के रगड़ने की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। सुबह की शांति सायरन की तेज गूंज से भंग हुई। ये अमेरिकी हवाई हमलों की चेतावनी थी। सायरन की आवाज बंद होते ही शिन और कीमी दौड़ते हुए पीछे के आंगन में गए और हंसते हुए साइकिल पर सवार होकर उसे चलाने लगे। कुछ सिपाही घर के सामने की सड़क की मरम्मत कर रहे थे। शिन और कीमी को तेज रफ्तार से साइकिल चलाते हुए देख वो भी खिलखिलाकर हंसने लगे। मैं भी हंसते हुए घर के अंदर चला गया। तभी वो हुआ जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दिल को हिला देने वाला एक जोरदार धमाका हुआ।
और आंखों को चौंधिया देने वाली बिजली चमकी। मुझे तो लगा जैसे दुनिया का अंत हो गया है। फिर अचानक सुबह के समय आसमान में घोर अंधेरा छा गया। जब मैं उठा तो मेरे चारों ओर घुप अंधेरा था। मेरा हिलना डुलना भी मुश्किल था। ऐसा लगता था जैसे कि मैं कहीं फंस गया हूं, पर कहां? फिर मुझे ऊपर एक छेद में से हल्की सी रोशनी आती दिखाई पड़ी। मैंने सावधानी से अपने हाथों से लकड़ी की उन बल्लियों को हटाने की कोशिश की जिनके नीचे मैं दबा हुआ था। मैंने खड़े होकर किसी चिकनी सतह को छुआ। यह हमारे घर की छत थी। पूरा घर ढहकर मुझ पर आ गिरा था। धीरे धीरे करके मैं प्रकाश की ओर बढ़ा और छत के ऊपर चढ़ा। चारों ओर बदन को झुलसाने वाली काली आंधी बह रही थी। ये सब देखकर पहले तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। सब कुछ ध्वस्त हो गया, कुछ भी नहीं बचा। किमी का घर, मंदिर, लोग, यहां तक कि पूरा हिरोशिमा तबाह हो गया। उस तेज आंधी में मैं जोर से चिल्लाया, क्या कोई है, मदद करो। शिन की मां की आवाज आई, नोबू, मेरी मदद करो। मैं टूटे हुए घर से बाहर निकला। वहां मैंने शिन की मां को घर के मलबे में कुछ खोदते हुए पाया। शिन वहां एक भारी लकड़ी की बल्ली के नीचे दबा हुआ था। मैंने जल्दी से बल्ली को उठाया और मां ने दबे शिन को खींचकर बाहर निकाला। उसका चेहरा सूजा हुआ था और उसमें से खून बह रहा था। कमजोरी के कारण वो बोल नहीं पा रहा था, परंतु अभी भी उसने एक हाथ से अपनी तीन पहियों वाली साइकिल के हैंडल को कसकर पकड़ा था। किमी का कोई नामो निशान नहीं था, वो शायद घर के नीचे कहीं दबी पड़ी थी। फिर मुझे छत के नीचे दबे दो कपड़ों के किनारे दिखाई दिए। घर का एक कोना आग में दहक रहा था। आग की एक दीवार मेरे सामने खड़ी थी। मिचिको, योको, मैं चिल्लाया, मैं आ रहा हूं। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर छत की भारी बल्लियों को उठाने की कोशिश की, परंतु मैं इसमें असफल रहा। आग अब मेरे बहुत करीब आ चुकी थी। इतनी भयंकर गर्मी थी कि मेरे कपड़ों में आग लग सकती थी। तभी मिचिको और योको के ऊपर पड़ी लकड़ी की बल्ली से आग की लपटें उठने लगी। मिचिको, योको, मैं कांपते हुए चिल्लाया। मैं एकदम लाचार था, अपनी बच्चियों की जान बचाने में असमर्थ था, परंतु शिन के बचने की अभी भी उम्मीद थी। इसलिए मां धधकती आग से बचने के लिए शिन को लेकर नदी की ओर दौड़ी। सभी बचे लोग नदी के किनारे इकट्ठे हुए थे। उस भयानक दृश्य को देख पाना मुश्किल था। सभी लोग बुरी तरह से जल गए थे। वे बिलक बिलक कर रो रहे थे और पीने का पानी मांग रहे थे। पानी, मुझे पानी चाहिए, शिन हल्की आवाज में कह रहा था। मैं उसकी मदद करना चाहता था, परंतु मेरे आसपास लोग पानी पीकर मर रहे थे, इसलिए शिन को पानी देने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। पापा, शिन इतनी धीमी आवाज में फुसफुसा रहा था कि उसे सुन पाना भी मुश्किल था। मेरी साइकिल। मैंने उसकी हथेली को दबाया, जिसमें वो अभी भी साइकिल के हैंडल का प्लास्टिक कवर पकड़े हुए था। शिन, मैंने कहा, तुम अभी भी साइकिल के हैंडल को पकड़े हुए हो। उसके सूजे चेहरे पर अचानक एक चमक आ गई और मुंह पर हल्की सी मुस्कुराहट झलकने लगी। परंतु उसी रात को शिन चल बसा। 10 दिनों बाद उसका चौथा जन्मदिन था। अगले दिन मैं अपने घर वापस आया। वहां मुझे मिचिको और योको की हड्डियां एक ही जगह पर पड़ी हुई मिली। उन्हें देखकर मैं सुबक सुबक कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे माफ कर दो। उन्हें दफनाने के बाद मैं काफी देर तक रोता रहा। एक दिन पहले वे कितनी खुश थी, मैं सोचने लगा। अगले दिन घर के पिछले आंगन में शिन को दफनाने के लिए मैंने कब्र खोदी, परंतु उसी समय किसी के मृत शरीर को उसकी मां अपने हाथों में उठाकर लाई। ये दोनों इतने अच्छे दोस्त थे। उन्होंने दुखी स्वर में कहा, नोबू, हम इन दोनों को इकट्ठे ही दफनाएंगे।
जब किमी और शिन को दफनाया गया तो वे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। साथ में हमने शिन की लाल 3 पहियों वाली साइकिल को भी दफनाया, जो हमें पास ही मलबे में पड़ी हुई मिली थी। उस दिन के बाद हम रोजाना शाम को नदी के किनारे खड़े होकर अपने बच्चों का नाम पुकारते हैं, शिन, मिचिको, योको। उस एटम बम ने हिरोशिमा को एक रेगिस्तान में बदल दिया था, पर अब इस हादसे को गुजरे 40 साल बीत गए हैं। इस बीच शहर दोबारा आबाद हुआ है। अब यहां जीवन में एक नई उमंग है। शुरू में लोगों ने सोचा कि अब वहां की मिट्टी में कभी भी कुछ पैदा नहीं होगा, परंतु अब जमीन पर सभी जगह घास है और पेड़ फूलों से लदे हैं। पार्क में हंसते और खेलते बच्चे हैं। मुझे अभी भी अपने बच्चों की मुस्कुराहट याद है और ये स्मृति मेरे दिल को अभी भी दुखाती है। बहुत सालों तक मैं और मेरी पत्नी इस बात से आश्वस्त थे कि बच्चे हमारे करीब ही हैं, परंतु हम चाहते थे कि उन्हें किसी कब्रिस्तान में सही तरीके से दफनाया जाए। एक दिन हमने ये करने की कोशिश की। हमने घर के पिछले आंगन को खोदना शुरू किया। किमी की मां ने भी इसमें हमारा हाथ बटाया। कुछ मिनटों तक खोदने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा फावड़ा किसी लोहे की चीज से जाकर टकराया हो। जब मैंने पास जाकर गौर से देखा तो मुझे वहां मिट्टी में एक जंग लगा पाइप का टुकड़ा पड़ा हुआ दिखाई दिया। देखो, मैंने अपनी पत्नी से कहा, इस 3 पहियों वाली साइकिल को मैं तो भूल ही गया था। इससे पहले कि मुझे कुछ पता चले, मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैंने अपना मुंह मोड़ लिया। उस साइकिल को देखने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। देखो, यहां कुछ सफेद हड्डियां जैसी दिख रही है, मेरी पत्नी ने कहा। हम लोग देर तक किमी और शिन की हड्डियों को घूरते रहे। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे थे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने उन्हें दफनाया था। युद्ध में हमेशा तबाही होती है। लड़ाई किसने शुरू की इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़ाई में निर्दोष लोग ही मरते हैं, शिन जैसे बच्चे। मेरी आंखें आंसुओं से भीगी थी। मैंने हिम्मत बटोर कर आहिस्ते से शिन की साइकिल को उठाया। ऐसा अत्याचार बच्चों के साथ दोबारा कभी ना हो, मैंने कहा। अगर बहुत से लोग शिन की साइकिल को देखेंगे तब वे दुनिया में शांति के महत्व को समझेंगे। तब वे एक ऐसी दुनिया की कल्पना करेंगे जिसमें बच्चे हंस सके और खेल सके। अगले दिन मैं शिन की साइकिल को हिरोशिमा के शांति संग्रहालय में ले गया, जिससे कि शिन की कहानी दुनिया भर के बच्चों के लिए शांति का एक नया संदेश बन सके। ये थी कहानी शिन की तिपैया साइकिल। कहानी के लेखक है तात्सुहारू कोडामा। कहानी का एडेप्टेशन किया है अरविंद गुप्ता ने, और ये कहानी भारत ज्ञान विज्ञान समिति से प्रकाशित हुई थी। कहानी को आवाज दी है अनुरंजन ने। इन सभी का आभार, शुक्रिया।